पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। क्षमा चाहूँगा कि मैं वो आपको शायद क्वालिटी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये कंटेंट है ना, ये आपके लिए बहुत सॉलिड है आपके एग्जाम्स के लिए। तो पर डे मैं 10 अम्बेसडर, ब्रांड अम्बेसडर जो हैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो क्वालिटी आपको नहीं मिल पाएगी वो वाली जो मैं एक्चुअल प्रेजेंट करता हूँ, लेकिन ये कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेगा। और जो भी 10 अम्बेसडर मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो अगले लेसन में इसमें कम से कम एक से लेकर 2-3-4 मैं आपसे पूछूंगा भी, ठीक है। तो सबसे पहला लेते हैं, तो सबसे पहला है सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल अम्बेसडर कौन बनी है। तो दोस्तों सबसे युवा जो यूनिसेफ गुडविल अम्बेसडर बनी है वो बनी है मिली बॉबी ब्राउन। ध्यान रखिएगा, मिली बॉबी ब्राउन को यूनिसेफ ने सबसे युवा गुडविल अम्बेसडर, यहाँ ध्यान रखिएगा गुडविल अम्बेसडर, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक नेटफ्लिक्स आपको वेब सीरीज पता होगा, नेटफ्लिक्स, उस पर एक स्ट्रेंजर थिंग्स करके एक वेब सीरीज आती है, उसी में ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर है मिली बॉबी ब्राउन। ओरिजिनली इनका नाम मिली बॉबी ब्राउन है और इनको सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल अम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है, जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है यानी यूनिसेफ है, उसने गुडविल अम्बेसडर मिली बॉबी ब्राउन को बनाया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका कि यूनिसेफ इंडिया का युवा अम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है हिमा दास को। हिमा दास दोस्तों एथलीट है, एक धावक है, और इनको यूनिसेफ इंडिया का अम्बेसडर बनाया गया। हिमा दास जो है आपकी वो असम से बिलोंग करती हैं, इनको धिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और इनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। तो यूनिसेफ इंडिया का युवा अम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो हिमा दास को। और गुडविल अम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो बनाया गया है मिली बॉबी ब्राउन को। ये इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा 2019 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड अम्बेसडर किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया है मैरी कॉम ने। और इन्होंने 2018 का महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो जीत भी लिया है। उसके अलावा दोस्तों मैरी कॉम आपकी बीएसएनएल और ट्राइब्स इंडिया के भी हैं, जो कि यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन भी है, ठीक है। बीएसएनएल और ट्राइब्स इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये बस हम ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बीएसएनएल और ट्राइब्स इंडिया के भी जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, मैरी कॉम है। उसके अलावा 2019 में इनको महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। उसके अलावा दोस्तों नोकिया इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आलिया भट्ट, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ऊबर इट्स की भी हैं, ध्यान रखिएगा, ऊबर इट्स जो कि ऊबर कैब है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, जबकि ऊबर इट्स है जो कि फूड डिलीवरी ऐप है, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो भी आलिया भट्ट हैं। तो नोकिया के साथ साथ आपको ऊबर इट्स भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आलिया भट्ट। उसके अलावा नेपाल टूरिज्म, देखिए नेपाल टूरिज्म की कौन है, तो वो है जया पर्दा, ध्यान रखिएगा। नेपाल टूरिज्म की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो जया पर्दा। जया पर्दा आप जानते होंगे कि अदाकारा हैं, और ये नेपाल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, कौशल भारत अभियान यानी स्किल इंडिया कैंपेन। स्किल इंडिया के कैंपेन के कौन है, तो वरुण धवन एवं अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा और वरुण धवन आपकी कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर। इनकी जो मूवी आई थी सुई धागा, उसी के बाद इनको कौशल भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को। उसके अलावा दोस्तों आपका रोड सेफ्टी कैंपेन यानी सड़क सुरक्षा अभियान यानी सड़क सुरक्षा अभियान के कौन है, तो अक्षय कुमार। ध्यान रखिएगा, सड़क सुरक्षा अभियान के कौन है, अक्षय कुमार है। और उत्तर प्रदेश में इनको स्वच्छ भारत मिशन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा सड़क सुरक्षा अभियान आता है, या फिर एक और है लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ही हैं। ध्यान रखिएगा, सड़क सुरक्षा अभियान के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जो आपका मेमोरियल फाउंडेशन है उसके भी कौन है, तो उसके भी अक्षय कुमार है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया के कौन है, तो अंकित फाड़िया। ध्यान रखिएगा, अंकित फाड़िया किसके हैं, तो डिजिटल इंडिया के, इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जा सकता है आपको। तो डिजिटल इंडिया के कौन है, तो वो है अंकित फाड़िया, इंपॉर्टेंट में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया पे काफी जोर दिया जाता है। उसके अलावा मेक इन इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, तो मेक इन इंडिया के कौन है, तो पीरूज खमदता। ध्यान रखिएगा, पीरूज खमदता किसके हैं, तो वो है मेक इन इंडिया। पहले स्टार्ट कौन है, तो आज सबसे पहले फिट इंडिया अभियान, जिसके हैं सोनू सूद। सोनू सूद को आप सालों जानते होंगे, फेमस एक्टर हैं, तो सोनू सूद हैं जो वो फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा वर्लपूल, देखिए पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, कृति सैनन और सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि अभी क्या है कि आपके जो एलपी और ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए ना कि सारे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वर्लपूल के कौन है, तो वो हैं कृति सैनन और सुशांत सिंह राजपूत। उसके अलावा देखिए सुमाधारा समूह की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, सुमाधारा समूह की बात करें तो इसके हैं एमएस धोनी, इंपॉर्टेंट है, यानी सुमाधारा ग्रुप की बात करें तो उसके हैं एमएस धोनी ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा देखिए एमएस धोनी, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ड्रीम इलेवन और इंडिया इंडिगो पेंट इसके भी हैं, सुमधरा ग्रुप हो गया, उसके अलावा ड्रीम इलेवन और इंडिया पेंट। और उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आपका भारत मैट्रीमोनी, ध्यान रखिएगा, भारत मैट्रीमोनी ने भी महेंद्र सिंह धोनी को
अपना ब्रांड बन एम्बेसडर बनाया है। तो भारत मैट्रिमोनी जो कि ऑनलाइन शादियां कराता है, उसने भी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा WHO गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो वो है साइमा वाजिद हुसैन, ध्यान रखिएगा। WHO गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो साइमा वाजिद हुसैन। और कल हमने आपको यूनिसेफ सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर भी बताया था, मिली बॉबी ब्राउन। तो उम्मीद है आपको याद होगा सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर कल हमने आपको क्या बताया था, तो मिली बॉबी ब्राउन। उसके अलावा देखिए WHO गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो वो है साइमा वाजिद हुसैन। उसके अलावा दोस्तों रेमिट टू इंडिया और फिलिप्स इंडिया के कौन है, तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली रेमिट टू इंडिया, फिलिप्स इंडिया के अलावा अमेरिकन टूरिस्टर इंडिया के हैं, शाओमी इंडिया के हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। शाओमी जो रेडमी फोन है उसके हैं, उसके अलावा PNB के हैं, उसके अलावा BSF के हैं, BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसके अलावा उबर कैब के भी हैं विराट कोहली। तो इतने क्वेश्चन विराट कोहली पे बन सकते हैं आपके, उनके अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे विकास की कौन है, तो वो है MC मैरी कॉम, ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की कौन है, तो वो है MC मैरी कॉम। उसके अलावा MC मैरी कॉम आपकी BSNL की हैं, ट्राइब्स इंडिया की हैं, और उसके अलावा जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2019 का, उसके लिए भी कौन बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, तो उसके लिए भी मैरी कॉम बनाए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा पल्स पोलियो और मुथूट ग्रुप के कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। और एक और अमिताभ बच्चन पे सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि ये GST के भी हैं, ध्यान रखिएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो वो अमिताभ बच्चन जी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी हैं, यानी GST के भी हैं, मुथूट फाइनेंस, पल्स पोलियो, और एक और इंपॉर्टेंट है बंद दरवाजा कैंपेन, ध्यान रखिएगा। बंद दरवाजा कैंपेन की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है अमिताभ बच्चन। उसके अलावा एजुकेट गर्ल्स के भी अमिताभ बच्चन है, एजुकेट गर्ल्स के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है अमिताभ बच्चन। उसके अलावा तेलुगु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है राणा दग्गुबाती, ध्यान रखिएगा। राणा दग्गुबाती आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें जो विलेन का कैरेक्टर करते हैं बल्लाल देव का, वही है राणा दग्गुबाती, और ये तेलुगु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके अलावा असम राज्य पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा, ध्यान रखिएगा। असम राज्य पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है प्रियंका चोपड़ा। उसके अलावा यूनिसेफ की भी ग्लोबली ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो भी है प्रियंका चोपड़ा। असम राज्य पर्यटन के अलावा यूनिसेफ के भी ग्लोबली अगर बात करें तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है प्रियंका। करेंगे सबसे पहला है कि असम राज्य खेल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है हिमा दास, ध्यान रखिएगा। हिमा दास असम से बिलोंग भी करती हैं और असम राज्य खेल की ये ब्रांड एम्बेसडर भी है हिमा दास, और इनको दिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो वहाँ के हैं जॉन अब्राहिम, ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के कौन है, तो वो है जॉन अब्राहिम। उसी तरह सिक्किम के AR रहमान है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया भी गया है, सिक्किम के AR रहमान है। तेलंगाना की सानिया मिर्जा है। तो ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट, जो आपको पूछे जाएंगे और कन्फर्म पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, असम राज्य की हैं हिमा दास, अरुणाचल प्रदेश के हैं जॉन अब्राहिम, केरला आयुर्वेद की कौन है, तो स्टेफी ग्राफ, ध्यान रखिएगा। कम चांसेस से पूछे जाए, लेकिन अगर आपके ध्यान में रहेगा तो अगर ऑप्शंस में आता है तो बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। तो केरला आयुर्वेद की कौन है, तो वो है स्टेफी ग्राफ। उसके अलावा हरियाणा स्वास्थ्य कार्यक्रम की कौन है, तो वो है गौरी सिरान, ध्यान रखिएगा। हरियाणा स्वास्थ्य कार्यक्रम के कौन है, तो वो है आपके गौरी सेरान। उसके अलावा हरियाणा योग आयुर्वेद के कौन है, तो योग गुरु बाबा रामदेव जो है वो हरियाणा के योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव, ठीक है, जो कि पतंजलि से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही होगा बाबा रामदेव के बारे में सारे लोग जानते होंगे। उसके अलावा तेलंगाना राज्य हो गया आपका सानिया मिर्जा और महेश बाबू, और सिक्किम राज्य हो गया आपका AR रहमान, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है। सिक्किम राज्य की संस्कृति और वहाँ का जो कल्चर है उसको प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए AR रहमान को वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, तो यहां पे देखिए फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का कौन है, तो फ्लिपकार्ट का रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर, ध्यान रखिएगा। फ्लिपकार्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर आपकी फ्लिपकार्ट की ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST का ब्रांड एम्बेसडर, तो वह है अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST के ब्रांड एम्बेसडर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है। वहीं बात करें दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर को भी आप सारे लोग जानते हैं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था अपनी तेजी बॉलिंग के वजह से ये जाने जाते थे, तो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कौन है, तो वो है शोएब अख्तर। और देखिए हिंदुजा ग्रुप यानी लुब्रिकेंट इंडिया के हार्दिक पांड्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पूछा जा सकता है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि पूछा भी गया आपके एग्जामिनेशन में, अगर आप क्विज दे रहे होंगे तो सबसे अधिक बार क्विज में भी ये पूछा जा रहा है। तो लुब्रिकेंट इंडिया के कौन है, तो हार्दिक पांड्या। उसके अलावा कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर कौन है,
यानी राष्ट्रमंडल यूथ एम्बेसडर कौन है, तो वो हैं प्रिंस हैरी, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। उसके अलावा वीवो की बात करें तो आप सारे लोग टीवी पे ऐड देखते होंगे, आमिर खान है आपके वीवो के। उसके अलावा उबर इंडिया के एम्बेसडर कौन है, ब्रांड एम्बेसडर, तो वो है विराट कोहली, और पहले ब्रांड एम्बेसडर भी हैं उबर इंडिया के कौन, तो वो है विराट कोहली। उसके अलावा पीएनबी के हैं, उसके अलावा आपके शाओमी के भी हैं, उसके अलावा आपके अमेरिकन टूरिस्टर इंडिया के हैं, तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर। और उसके अलावा बीएसएफ के भी इंपॉर्टेंट, ये भी इसके भी कौन है, तो इसके भी विराट कोहली। तो इंपॉर्टेंट ऐसे प्रोडक्ट हैं और ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे अथॉरिटीज हैं जिनके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात कर ले सचिन तेंदुलकर की, तो देखिए T20 मुंबई, देखिए ध्यान रखिएगा T20 मुंबई लेके कौन है, सचिन तेंदुलकर। उसके अलावा अपोलो टायर के भी बनाए गए, हाल ही में अपोलो टायर ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को 5 सालों के लिए बनाया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, देखिए ऐसे जितने भी क्वेश्चन है स्वच्छ से रिलेटेड वो सारे ही पूछे जाएंगे, तो स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत की कौन है, तो वो है काजोल स्वच्छ आदत और स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। उसके अलावा मास्टर कार्ड के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन है, तो वो है इरफान खान, ध्यान रखिएगा मास्टर कार्ड के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन है, तो वो है इरफान खान। तो दोस्तों आज जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हमने आपको प्रेजेंट किए हैं वो सारे ही ध्यान रखिएगा, इसमें से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। लगभग हमने आपको 30 से लेके 40 तक के ब्रांड एम्बेसडर प्रेजेंट कर दिए और इसका एक कंबाइंड लेसन भी हम आपको जल्दी प्रेजेंट करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कभी कभी नोटिफिकेशन आपको नहीं जाती है तो प्रॉपर चैनल पर विजिट करेगा ताकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप देख सकें। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको जल्दी प्रेजेंट करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे ब्रांड एम्बेसडर के साथ। थैंक यू सो मच।